जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। अगर आप बीकॉम पार्ट वन टू या बीए इंग्लिश की या बीएस इकोनॉमिक्स हो के इस्लामिक बरौपन यूनिवर्सिटी से हो रहा है या आप किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कम वक्त में इसकी तैयारी करें और पास हो जाएँ, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आए हैं जहाँ पर आपको मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि टाइम कम है, कम टाइम के साथ आपको मुकम्मल तैयारी गैस के साथ करवाई जाएगी। हमारा जो है वो न्यू बैच 15 अप्रैल से मैंने स्टार्ट कर दिया है। बच्चों, रिज़ल्ट आपका बस करीब करीब ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिज़ल्ट आपके ओके हैं, बस वो अनाउंस हो जाएंगे, आज हो कल हो किसी वक्त भी हो जाएंगे। और मैंने ये भी बताया कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डबल फीस पे करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको टाइम दिया जाएगा, मैंने पहले भी बताया। तो बच्चों, न्यू बैच स्टार्ट हो गया हुआ है, अपना टाइम वेस्ट ना करें। और आपके एग्ज़ाम्स बच्चों मई के लास्ट में हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और मैंने बकायदा प्रूफ के साथ आपको नोटिफिकेशन भी दिखाया था ताकि आपको तसल्ली हो जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, आप जाके ख़ुद भी देख सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था, जो पेपर आपको कह रहे हैं कि अगस्त सितंबर में एक्सटेंड होंगे, तो इतना नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है ना आपका जून में चले जाएंगे, 10 दिन ज़्यादा आगे कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए आपके पास टाइम कम है, अपना वक्त ज़ाया मत करें। न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, आप कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, एडवांस पढ़ना चाहते हैं, टैक्स पढ़ना चाहते हैं, अकाउंटिंग की तैयारी करना चाहते हैं या स्टैट पढ़ना चाहते हैं या फंक्शन इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, बीए की इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप जो है क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी गारंटी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को जो गैस दिए जाते हैं उसी में से पेपर आता है। देखिए, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो रूल्स को फॉलो करेंगे और तैयारी करेंगे और उसको पास करेंगे। वरना अगर आप बैठे हुए हैं, चले मान लेते हैं कि जी वो पंजाब यूनिवर्सिटी वाली डेट आगे एक्सटेंड नहीं करती, वो मई के लास्ट में स्टार्ट हो जाती, आपकी डेट शीट भी आ जाती, फिर क्या करेंगे? तो ये जो कॉन्सेप्ट बनाया मैंने कि अभी डेट एक्सटेंड वाला, डेट बच्चों इतनी एक्सटेंड नहीं होनी, ठीक है ना? तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर लें, टाइम वेस्ट मत करें। क्योंकि अब आपका तकरीबन अगर आप इसको ज़ाया कर देते ना ये अप्रैल का, तो आपके पास सिर्फ मई का वक्त बचता है। तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपका जो है ना इसी मंथ में आना है, हो सकता है इसी वीक आ जाए। जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस होगा आपको ज़रूर जो है बताया जाएगा। तो तैयारी के लिए अगर आप करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप रब्ता करें, अपनी तैयारी करें, टाइम ज़ाया मत करें। आपको बार बार कहा जा रहा है तो फिर होता ही है कि बहुत से बच्चों ने तो बुक्स तक नहीं होती और लास्ट में जब आते हैं तो कहते थे जी पीडीएफ हमें सेंड कर दें, तो फिर जब लास्ट में आते हैं बच्चों फिर वही रूल्स चलते हैं, ठीक है? तो मैंने पहले ही कहा था एक आ रहा दो आया तो हम उसके काम स्टार्ट करवा देंगे, अभी आपके ऊपर डिपेंडेड है। तो सही टीचर कौन सा है, गलत टीचर कौन सा है, इसका चुनाव आपने करना है, ये आपके ऊपर है। क्योंकि बहुत से ऑनलाइन टीचर ऐसे हैं बच्चों ने बड़ी ज़्यादा फीसें पे की हुई हैं लेकिन उनको जरूरत तक नहीं है वो पूछ सकेंगे क्या काम करवा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट को, अगर स्टूडेंट के पास नहीं है तो वो मैं खुद ही दे देता हूँ। तो ये फ़र्क आप खुद भी खुली देख सकते हैं। तो क्लासेस हमारी चल रही है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, अभी स्टार्टिंग पे ही है, ठीक हो गया?